अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और रमज़ान कैसा जा रहा है? होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा इंशाल्लाह ताला। और आज की लुक आप देख रहे हैं, आज की लुक में आपके सामने लेके आए जो वेडिंग गेस्ट लुक है, इस लुक को आप ईद पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ईद के लिए भी बहुत ही प्यारी लगती है, जो न्यूली मैरिड होती हैं या जिन लड़कियों को मेकअप का और सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उनके लिए भी ये बहुत बहुत आइडियल लुक है। लुक कैसे मैंने की है, ये आज की जो है कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, एंड तक आपने देखनी है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, स्टार्ट कर दीजिए। जी जनाब, तो स्किन को मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर रही हूँ, किसके साथ? पानी के साथ। पानी भी नहीं है, ये रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर लगाने के बाद मैं अच्छे से लगा रही हूँ जो मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र कोई सा भी अच्छा सा आप लगा सकती हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, स्किन ऑयली के लिए भी और स्किन ड्राई के लिए भी मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है जी, प्राइमर आपने अच्छा सा कोई भी ले लेना है। मैं रिवाज का ये प्राइमर ले रही हूँ, बहुत अच्छा प्राइमर है। स्किन को जो आपके पोर्स होते हैं इनको बिल्कुल ब्लर कर देता है, फिल इन कर देता है, जिससे प्रोडक्ट आपके स्किन के अंदर नहीं जाती है और आपके स्किन जो है हार्मफुल केमिकल से बची रहती है। ठीक है जी, मैंने लगा लिया है पूरे फेस पे, जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी और जहाँ जहाँ पे ओपन पोर्स थे, इवन रिंकल्स के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब, ये FS27 है मैलियो का, ये कलर करेक्टर है। मेरी मॉडल के थोड़े से जो है डार्क सर्कल्स थे और जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन थी, मैंने उसको इस जो है कलर करेक्टर से अच्छे तरीके से हाइड कर दिया है। आप यहाँ पे कोई भी डार्क कलर की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो पहली लेयरिंग दे रही हूँ वो है ये क्रिस्टीन की जो स्टिक है, ये आप शेड देख रहे हैं, थोड़ा सा वार्म टोन में ये शेड है, इसकी मैं लेयर दूंगी एक नीचे। 36 CN नंबर है इसका, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे। लेकिन आई के एरिया को आपने अवॉइड करना है, जितना आप आई के एरिया पे कम लगाएंगे प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। उसके बाद ये रोज़ वाटर से ही मैंने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको वेट कर लिया है, बिल्कुल लाइट सा मैंने वेट किया है, ताकि मेरी जो ब्लेंडिंग है स्टिक की या फाउंडेशन की वो अच्छे तरीके से हो जाए और मेरी जो फाउंडेशन है वो बड़ी ही नीट और फ्लॉलेस सी लगे और केकी बिल्कुल भी नहीं लगे। ठीक है जी, इस तरह से मैंने देखे, अभी एक साइड पर मैं इसको कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि एक साइड पर लगाने के बाद ये हिस्सा कितना नीट लग रहा है और वहाँ पर अभी थोड़ा सा डिफरेंस दूसरे साइड पर है। ठीक है जी, डिस्कलरेशन मेरी इस ही दो चीज़ों से हाइड हो गई है। उसके बाद मैं ये फिट मी 128 वार्म न्यूड जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा है जी ये MM सिल्क मुसर्रत मिसबाकी में ऑलमंड जो है शेड, वो दोनों को मैं मिक्स एंड मैच करूँगी। किसी पैन में भी आप कर सकते हैं, मैं आपको अपने हाथ में ही करके दिखा रही हूँ। दोनों को मैं लिए एक पंप उसका और दो उसके, और जनाब आली मैंने ले लिया इसके अंदर थोड़ा सा हाईलाइटर, क्योंकि मैंने देनी है ज्यूसी ग्लोई सी लुक, तो मैंने इसके अंदर अपना हाईलाइटर जो है वो थोड़ा सा डाला है, इसको स्क्रैच करके और मिक्स अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है और बड़ी अच्छी मेरी ग्लॉसी सी जो है फाउंडेशन रेडी हो चुकी है। फिंगर के साथ आप अप्लाई कर लीजिए, या कर सकते हैं इसको अप्लाई किसी भी ब्रश के साथ, पूरे एंटायर फेस पे आपने लगा लेनी है जी अपनी फाउंडेशन। और वही ब्यूटी ब्लेंडर जो आपके सामने मैंने थोड़ा सा वेट किया था, या पानी से या रोज़ वाटर से, जो मेरे पास क्रीप पड़ी हुई होती है चीज़ में, उससे उसको वेट कर लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी ड्रेसिंग टेबल पे रोज़ वाटर रहता है, क्योंकि आते जाते मैं इसको यूज़ करती हूँ, स्प्रे करती हूँ। आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी सी फ्लॉलेस सी वो होगी ब्लेंडिंग। अब ये रिवाज का है जी, 001 नंबर का कंसीलर मैं जो यूज़ कर रही हूँ, और कंसीलर जो है आपकी हमेशा फाउंडेशन से एक या दो नंबर टू टोन जो है लाइटर होना चाहिए, ताकि आपके जो दबे हुए पार्ट्स हैं, जो हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं, वो अच्छे तरीके से अच्छे से हाइलाइटेड नज़र आएँ। ठीक है जी, कंसीलर से मैंने इसको कर लेना है जो हाईलाइट आँखों के नीचे और फोरहेड पे, जो सेंटर पे, और जनाब अली ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, और अपनी नोज़ के नीचे जहाँ पे लिप्स के ऊपर आप लगाते हैं वहाँ पे, और चिन पे भी आपने इसको अप्लाई कर लेना है। और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से या किसी भी और छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसकी कर लेनी है बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आपने करते जाना है, समर्स है, जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी जो है फाउंडेशन वो बैठेगी। ठीक है जी, आई बेस है जी, हाईलाइट EUB की आई बेस है। हर कोई हर दफ़ा वीडियो में पूछता है, मैं हर दफ़ा वीडियो में लिंक भी देती हूँ, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। फिंगर से मैं साथ ही इसको अप्लाई कर लूँगी जो है अपनी
आईलिड पे, अपनी मॉडल की आईलिड पे, ताकि जितनी भी डिस्कलरेशन है या डार्क सर्कल्स हैं वो इनके नीचे से हाइड हो जाए और हमें एक नीट सी जो कैनवस है वो मिल जाए, ताकि हमारे जो आई शेडोज हैं वो बड़े अच्छे उठ के पॉपअप इसके ऊपर होके तो आएँ। अगर आप अच्छे से फाउंडेशन या नीचे आई बेस नहीं लगाएंगे तो आपके आई शेडो अच्छे नहीं लगेंगे। अब आपकी बारी आ जाती है जी अपनी फाउंडेशन को अच्छे से फिक्सअप करने की। पाउडर समर्स में आपको लगाना पड़ेगा अच्छा खासा। ये ब्रश आप देख रहे हैं बड़ा फ्लफी सा, ये किकू का ब्रश है। मैंने अच्छा खासा जो है पाउडर एंटायर फेस पे अप्लाई कर दिया है अपनी मॉडल के, और लगा लेने के बाद मैंने इसको हल्के हल्के डैबिंग मोशन के साथ लगाया और जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया, ठीक है। जिसके बाद हम आईब्रोज की जानिब आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये टूल किट है, उसके साथ मैं बनाऊंगी और सबसे पहले आईब्रोज को मैं ज़रा सा नीट करूंगी क्योंकि अंदर जो बेस है वो ज़रा बेस थोड़ी सी हट जाए। इसके साथ मैं लगा रही हूँ जी अपने आईब्रोज को, शेप दे रही हूँ। अब देख रहे हैं थोड़े से राउंड शेप में मेरी मॉडल के आईब्रोज हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा आर्च दूँ या तो जो है वो थोड़ा सा जो है खूबसूरत सा लगे। गोल आईब्रोज पर्सनली मुझे इतने पसंद नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आर्च वाले ही आईब्रोज जो है खुद के भी बनाऊँ और जो मेरे पास आती हैं तैयार होने के लिए उनके भी, क्योंकि इनके फेस के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है वही लगानी चाहिए। तो मेरी मॉडल पर ये वाले आईब्रोज अच्छे लग रहे थे और सूट कर रहे थे। उसके बाद मैं ये जेल है जी O2O का जेल है, मैंने थोड़ा सा ये स्प्रे किया इसके ऊपर और स्पूली के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड किया इस सोप को, और इसके साथ आईब्रोज को कर दिया फिक्स। इससे एक मज़ेदार काम ये होता है कि आईब्रोज आपके बिल्कुल नीट और फिक्सअप रहते हैं। अब ये मिस रोज की प्रोफेशनल मेकअप किट है मेरे पास, इसके अंदर बहुत खूबसूरत से न्यूड शेड्स हैं तमाम। आपको ग्लिटर मिल जाएंगे, आपको फॉयल शेड मिल जाएगा, आपको मैट शेड्स मिल जाएंगे और बड़े ही खूबसूरत से शेड्स हैं जो आप इसके साथ लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब जी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपनी आईज़ के, आप देख रही हैं मेरी मॉडल की के दोनों आईज़ की जो बेस है वो रेडी है। अब एक ब्रश मैंने लिया है, फ्लफी सा ब्रश लिया है क्योंकि आईलिड से ऊपर मैंने इसको ट्रांजिशन शेड देना है और अपनी जो आईज़ है मेरी मॉडल की उसको एक शेप देनी है, यानी कि कॉन्टोर करना है, ठीक है। ये मैं कॉन्टोर कर रही हूँ इसकी आई को जनाबी अली, ये मैंने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं दूसरा ले रही हूँ शेड, इससे अब लोएंगे जी थोड़ा सा डार्कर शेड, थोड़ा सा डार्कर शेड इसलिए कि अब हम आगे क्रीज एरिया पे, और क्रीज़ को हमने करना है प्रोमिनेंट, इन्हेंस करना है ताकि हमारी क्रीज़ का जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। ये दो शेड्स आपने देख लिए हैं जो मैंने मिक्स किए हैं। मिक्सिंग करके मुझे शेड्स को ज़रा अप्लाई करने में मज़ा आता है, मेरा जो डिज़ायर शेड है वो मुझे मिल जाता है। इस तरह मैंने एक ह्यू सा दे दिया है, ठीक है, और इसको मैंने गोल सी राउंड सा मैंने शेप दे के इसको बाद में कर लेना है ब्लेंड आउट, ठीक है। इसको मैंने शेप दिया, थोड़ा सा डार्क किया, जहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने बार बार शेड लगाना है और उसको डार्क करना है। अब देख रहे हैं वही ब्रश मैंने, सेम ब्रश जिससे मैंने ट्रांजिशन शेड अपना यूज़ किया था, उससे मैं इन दोनों को ब्लेंड आउट कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग नहीं होगी तो आपकी आँख का मेकअप बिल्कुल भी ज़ीरो लगेगा। उसके बाद अब ये दूसरी पैलेट मैंने देख रहे हैं, बीबेला की पैलेट है, उसमें से मैं, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये तमाम शेड्स हैं, इसके शेड्स भी बहुत खूबसूरत हैं। इसमें से मैंने एक शेड लेना है, कौन सा वाला जी, ये वाला हाइलाइटिंग शेड है, ये वाला शेड मैं ले रही हूँ किसके लिए, अपनी आईलिड पे अप्लाई करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ये शेड है, कोई सा भी आपने इसकी जगह से सिल्वर लगा सकते हैं, पिंक लगा सकते हैं, जो आपका फेवरेट शेड है, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप इधर कोई सा भी फॉयल शेड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने ये वाला अप्लाई कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा हम आउटर कॉर्नर को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, अपनी जो है शेड्स को रिफ्रेश करते रहा करेंगे साथ साथ। उसके बाद लोअर लैश पे सेम हमें वही वाले शेड अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब वो जो मैंने लगाया था लिड पे फॉयल शेड, वही मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेना है ताकि एक बड़ी फ्रेश सी लुक आए। यहाँ पे लगा लेने से आपकी आई बड़ी खूबसूरत खुली खुली सी लगती है। उसके बाद ये एक्वा का आईलाइनर देख रहे हैं, आईलाइनर हमने बहुत ज़्यादा बोल्ड बड़ा सा नहीं लगाना क्योंकि ये पार्टी लुक है, वेडिंग गेस्ट लुक है, इवन ईद के लिए भी ये लुक जो है आप कैरी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा, छोटा सा लगाना पड़ेगा आईलाइनर। और आपने ब्रश देख लिया है, ये क्रेलॉन का ब्रश है, नंबर भी आपने देख लिया होगा, जो लड़कियां मुझसे ब्रश का पूछ रही थी उनके लिए मैंने नंबर भी शो कर दिया है। और लाइट से छोटा सा हमने एक विंग सा आईलाइनर लगा लिया, और अब करेंगे हम कॉन्टोर। ये क्रिस्टीन की आप देख रहे हैं कॉन्टोर पैलेट है,
थोड़ा सा हम नोज को कॉन्टोर करेंगे, जो हमारे जो ये पार्ट्स दब जाते हैं बेस लगा लेने के बाद, उनको हमने दोबारा से इन्हेंस करना है। चीक बोन को अब मैं प्रोमिनेंट कर रही हूँ, इन्हेंस कर रही हूँ। अब देख रहे हैं कि कान के किधर से मैंने ये स्टार्ट किया, आपने वहीं से इसको स्टार्ट कर लेना है। और जनाब जी हल्के हल्के हाथों से आपने कॉन्टोरिंग कर लेनी है, बहुत आगे की जानी आपने नहीं लेके जाना। और उसके बाद लगाएंगे हम मस्कारा, ठीक है। मस्कारा लगा लेने के बाद हमने क्या करना है, फिर हमने ब्लशर लगाना है। मस्कारा मैं ले रही हूँ, ये आपके सामने मस्कारा मैंने लिया है, एसेंस का मस्कारा है, मेरा बहुत फेवरेट ये मस्कारा है। और इसको मैंने लगा लिया है ताकि लैशेस कर्ल हो जाए। आप यहाँ पे चाहें तो लैशेस का जो कर्लर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दिखाई आपको ये वाली लैशेस है, लेकिन बाद में मेरा जो है वो बदल गया इरादा, तो मैंने सोचा मैं ये वाली लैशेस लगाती हूँ। विंग लैशेस हैं ये, बहुत खूबसूरत लगती हैं पार्टी के लिए भी, और जो है ईद के लिए भी ये लैशेस आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा इसका विंग है, ये मैंने लगा लिया क्रिस्टीन की, जो मेरे पास क्रिस्टीन नहीं है, मेरे पास है स्वीट टच की आई लैश ग्लू, उसके साथ मैंने इसको अप्लाई कर लिया। और ये मैं लगा रही हूँ जो वाइट काजल, आप चाहें यहाँ पे ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं। ये इसकी वीडियो भी मेरी जो है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ब्रश के बैक साइड से आप जब लगाएंगे काजल, तो आपकी जो मॉडल है उनकी आई को भी इरिटेट नहीं करेगा और इजीली स्मूथली ये काजल लग जाएगा। अब लोअर लैश के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने दूसरा मस्कारा लिया है, क्योंकि ये वॉन्ड मुझे लोअर लैश के लिए बहुत अच्छी लगती है। जो है बनस्बत मेरे पास जो एसेंस का है उसका ज़रा थिक वॉन्ड है, और ज़्यादा सा मटीरियल बाहर आ जाता है, प्रोडक्ट बाहर आ जाती है, तो इसका वॉन्ड मुझे लोअर लैश के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो लोअर लैश में ज़्यादातर इसी से मस्कारा करती हूँ। अब ये एच बी हयात ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। आप ब्रश का साइज दे सकते हैं हाइलाइट करने के लिए, मैंने छोटा सा ब्रश लिया है और लाइट सा ही मैंने हाइलाइट करना है, बहुत ज़्यादा मैं हाइलाइट नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद ये मिस रोज़ का मेरे पास है जी ब्लश ऑन, बड़ा ही खूबसूरत सा ये शेड है, इसको मैं ब्रश के साथ जो है अप्लाई कर लूँगी। और चीक्स पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया था, इन दोनों को मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया है। कॉन्टोर को ऐसे आपने टच नहीं करना, कॉन्टोर वहीं पर रहने देना है और उसके ऊपर आपने ब्लश ऑन अप्लाई कर लेना है। आपकी हर चीज़ अच्छे से बड़ी वेल मैनेज नज़र आनी चाहिए पूरे फेस पे, क्योंकि फेस हमारा कैनवस है, ठीक है जी। उसके बाद सेम वही मेरे पास ब्रांड आया है एच बी हयात कॉस्मेटिक्स का, उसके साथ मैं ये पिंक वाला जो हाइलाइटर है अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत हाइलाइटर है, बड़ी यंग सी, बड़ी एक फ्रेश सी लुक देता है। मैंने ब्रश देखा है आपने कौन से लिया है, मैंने ये आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर के साथ ज़रा बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं फिंगर के साथ अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ब्रश के साथ मैंने बहुत ही लाइटली इसको अप्लाई कर लिया, जिधर जिधर मुझे ज़रूरत थी, जो जो पार्ट्स मैं चाहती हूँ कि ये हाईलाइट होने चाहिए, जब कैमरा की लाइट पड़े या लड़कियाँ सेल्फी ले तो ये चीज़ जो होती है हाइलाइटिंग पार्ट बहुत अच्छे लगते हैं इन्हेंस हुए हुए। देख रहे हैं आप, मैंने लिप्स के ऊपर भी इसको किया है इन्हेंस, और नोज़ पे किया है, फॉरहेड पे किया है, चीक बोन पे कर लिया है, और चिन पे भी मैंने किया, जो कि आपको मैं नहीं दिखा सकती। उसके बाद अब मैं ये वाला जो है बहुत ही खूबसूरत ये लिपस्टिक का शेड है, स्पेशली समर कलर है पीच पिंक, इस शेड को मैंने अप्लाई कर लिया है जी इस आई मेकअप के साथ, ये बहुत उठ के आया। आप चाहें इसके ऊपर ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, मेकअप को एंड में हम कर लेंगे सेटिंग स्प्रे से फिक्स, ताकि आपकी लुक को मज़ीद एक च्यूई ग्लोसी सी लुक मिल जाए और आपकी जो फेस है वो केकी ना लगे, अच्छे से ब्लेंडर हो जाए। अपनी आईज़ को बचाते हुए आपने हमेशा फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये थी मेरी फाइनल लुक, जो कि मेरी मॉडल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उनको ये लुक बहुत सूट की थी। आप चाहें तो इस लुक को ज़रूर रिक्रिएट करिएगा, और जो भी मेरे लुक को रिकॉर्ड करता है काइंडली मुझे ज़रूर मेंशन किया कीजिए, ताकि मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है स्टोरी पे मेंशन करूं और अपनी वीडियो के अंदर भी आपकी मेहनत को मेंशन करूं। इसके साथ ही फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और मेरे चैनल को जो नए मेरे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की मेकअप लुक कैसी लगी, कितनी अच्छी लगी भी कि नहीं अच्छी लगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।